मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए ऋण वितरण एवं समूह की बहनों से सीधा संवाद किया। महिला सशक्तिकरण के बिना राज्य सशक्त नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि 1400 करोड़ का लोन इन समूहों को 4% ब्याज पर मिलेगा। रेडी टू ईट का काम भी महिलाओं के समूह को दिया जाएगा। विशेषज्ञों के साथ संस्थान बनाएंगे जो महिलाओं को ट्रेंड करेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, मध्य प्रदेश की 33 लाख महिलाएं महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। अब हर घर को छोटे उद्योग में बदलना होगा। साथ ही साथ रीवा में भी स्व सहायता समूह को ऋण वितरित किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष की मौजूदगी में ऋण वितरण कार्य किया गया। दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे परिवार जिन्हें बीपीएल का लाभ मिलना चाहिए लेकिन किसी कारणवश लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा खाद्यान्न वितरण पर्ची दिया जा रहा है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश सहित रीवा में भी कम ब्याज पर महिलाओं को ऋण वितरित किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सितंबर माह में हमारा पखवाड़ा चल रहा है। अलग अलग दिन में अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कराए जाए। इसी तारतम्य में आज 20 तारीख को स्व सहायता समूह के महिलाओं को ऋण वितरण का आज कार्यक्रम किया गया, जहां हमारे रीवा ज़िले में 44 लाख रुपए का आज ऋण वितरण किया गया। हमारा स्व सहायता समूह को जो ऋण देते हैं शासन की तरफ से जो ऋण देता है, उसका उद्देश्य ये है कि स्व सहायता समूह की महिला सशक्त बने, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और कोरोना काल में जो भी रोज़गार कम हुए वो उस रोज़गार को फिर से पा सके और एक सफल बेहतर ज़िंदगी बना सके। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इस समय लोक कल्याण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी पखवाड़े के तहत, जैसा कि हम हमारी आपसे कल भी बात हुई थी, उस पखवाड़े के तहत सर्वप्रथम तो हमारे ऐसे भाई बहन, गरीब भाई बहन जो किसी भी जाति वर्ग से हों उसको मतलब नहीं है, जो कि हमारे बीपीएल में नहीं थे, उन्हें आवश्यकता थी कि खाद्यान्न मिले। तो सर्वप्रथम हम खाद्यान्न पर्ची वितरण का पहले दिन कार्य किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 37 लाख लोगों को खाद्यान्न पर्ची दी गई। रीवा ज़िले में भी हमारे जिला प्रशासन एवं अधिकारियों ने अच्छा काम किया, लगभग 1,08,000 लोगों को खाद्यान्न पर्चियाँ वितरित की गई। उसके बाद हमारी बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में दूध का वितरण हो, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनको किसी प्रकार कुपोषण से बचाने के लिए कार्य किया गया। तदुपरांत हमारे ऐसे वनवासी भाई बहन जो कि जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पर उनके अंदर एक डर बना रहता था कि हमें कब यहाँ से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, उन्हें पट्टा देने का कार्य किया गया। और आज हमारे जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें कैसे और सुदृढ़ बनाया जा सके, उन्हें और कैसे सशक्त बनाया जा सके, तो उन्हें 1% ब्याज पर जीविकोपार्जन के लिए ऋण देने का काम किया गया। और आज उसी ऋण वितरण का कैंप था, जिसमें भोपाल से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 80 करोड़ का ऋण वितरित किया है। हमारे रीवा जिले में भी, जैसा कि अभी जिला पंचायत जी ने बताया, 40 लाख ऋण बहनों को दिया गया, जो स्व सहायता समूह के उनके जीविकोपार्जन के लिए, जिससे विभिन्न प्रकार के अपने जीविकोपार्जन के लिए धंधे कर सकेंगी।